सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है यहां पर 4070, ठीक है, और उसका डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ दिस कोन. सबसे पहला क्वेश्चन है हमें इसकी स्लेंट हाइट निकालनी है. सेकेंड क्वेश्चन में हमें इसकी हाइट निकालनी है और थर्ड पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना होगा. ठीक है, तो आइए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है 4070, ओके, और हमें गिवन है इसका डायमीटर. डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर. तो इस डायमीटर की हेल्प से आप क्या निकाल देंगे, रेडियस. रेडियस निकाल देंगे जो डायमीटर का हाफ होता है, जो कि हो जाएगा 70 सेंटीमीटर का हाफ, जो आएगा 35 सेंटीमीटर. ओके, ये आ गया हमारे पास रेडियस. कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल. पाई आर एल की वैल्यू हमें गिवन है 4070. पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी लगानी है, क्या गिवन है हमें इसमें. पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वही लगाएंगे, और अगर गिवन नहीं है तो हम यहां लगा देंगे 22/7. ठीक है, तो यहां गिवन नहीं है इसलिए हमने 22/7 लगा लिया. R की जगह हम लगाएंगे, हमारा R है 35, तो R हमने यहां पर 35 लगा दिया. L की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. ठीक है, तो पहले तो इसे कैंसिल आप कर सकते हैं. 7 5 35, ये हुआ 22 × 5 × L इज इक्वल टू 4070. यहां से इजीली आप L की वैल्यू पता लगा लेंगे, 4070 डिवाइड बाई 22 × 5. ठीक है, आप इससे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 37. ओके, स्लेंट हाइट हमारे पास आ गई है 37 सेंटीमीटर. ओके, अब हम क्या निकालेंगे, हाइट. तो हाइट निकालने के लिए फिर से वही फेमस फॉर्मूला, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 37, 37 का स्क्वायर कर दिया. माइनस R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35, तो यहां 35 कर दिया. ठीक है, अब यहां एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं आपको, छोटी सी ट्रिक बताता हूं यहां आपको, जिससे कि 35, 37 का स्क्वायर ना करना पड़े आपको. ठीक है, यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं फॉर्मूला. ठीक है, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया यहां पर हमने, तो हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा. 37 + 35 आपके पास होगा 72, और 37 - 35 आपके पास होगा 2. अब 72 × 2 करेंगे तो आपको 144 मिलेगा, और 144 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 12 मिलेगा. तो हाइट हमारे पास आ चुकी है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया इसका. अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें निकालना है वॉल्यूम. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h. ठीक है, 1/3 π की वैल्यू यहां पर हम अभी लगा सकते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 है हमारे पास, तो उसका आर का स्क्वायर करना होगा. और एच की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है जो है 12. यहां पर आप 3 से 12 काट देंगे 4 times, और 7 से 35 काट देंगे 5 times. और ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक बड़ा सा नंबर, 15400 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ओके,